मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर लंबे वक्त से अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से मुहर नहीं लगाई गई है। मगर अब कहा जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले सरकार इसे पूरा कर सकती है। वहीं जेपी नड्डा भी अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। इससे बीजेपी के सामने नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो कैसे फेरबदल से फिर सकते हैं बीजेपी के दिन, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, सरकार किसकी छुट्टी करेगी, ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से सरकार की ओर से फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुराने मंत्रियों की छुट्टी होगी जबकि नए चेहरों को जगह मिलेगी। कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सामने आ रहा है। दरअसल इस वक्त अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में निर्मला सीतारमण स्थिति को संभाल नहीं पा रही हैं। इस वजह से सरकार की थूथू हो रही है, इसीलिए सबसे पहले अटकलें सीतारमण के नाम पर लगाई जा रही हैं। अब इस पर मुहर लगती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मंत्रिमंडल के साथ साथ बीजेपी में भी बड़ा फेरबदल होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले हफ्ते किसी भी दिन अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल को अंजाम दिया जाएगा। ये कवायद संसद के मानसून सत्र से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि एक महीने पहले ही केंद्रीय संगठन की नई टीम की सूची तैयार हो गई थी। माना जा रहा है कि कैबिनेट से कुछ चेहरों को हटाकर संगठन में भेजने और उनकी जगह नए चेहरों को जगह देने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब नई टीम में चुने जाने वाले चेहरों को अंतिम दौर का मंथन पूरा हो गया है और सभी के बीच सहमति बन चुकी है। यानी साफ है कि मंत्रिमंडल और नड्डा की नई टीम के गठन के बाद से ही नेताओं की एंट्री एग्जिट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा उन्हें पहले से ही अंदेशा है, इसीलिए वो अपने रुख में बदलाव कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि बीजेपी में मनमुटाव का दौर आएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।